और कैसे हैं आप? आपने बड़े वो शफीक रोल्स किए हैं, और वो कहते हैं ना कि किसी के चेहरे से खवातीन कुछ होती है, उनके चेहरे से ममता टपकती है, आपके पास से बापता टपकती है। को आर्टिस्ट जो बीवियां होती है ना, उनसे उनको भी ना कोई भाइयों वाली सी फील आ रही है। ये पर्सनालिटी में कैसे पैदा होती है चीज? मैं बाकी सारे मर्द जो देख रहे हैं उनको टिप देना चाहती हूँ, क्या क्या ऐसी खासियत है इसमें? अंदर की खूबसूरती आय हाय चेहरे पे आ जाती है। चेहरे पे है ना, सही कहते ना, चेहरा बिल्कुल। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने अपने करियर का आगाज तो एज लाइक सिंगर किया था, फिर वो क्यों उसको खैर बात कहते? मैंने सिंगर नहीं किया था, एक्चुअली शौक था सिंगिंग का। हाँ। लेकिन मैंने 68 में स्टेज प्ले से शुरू किया था। अच्छा अच्छा, स्टेज प्ले और थिएटर। तो उसके बाद फिर वो पीटी से शुरू हो गए। हाँ। अब ये हाल हो गया। और फिर ये हाल हो गया। कभी बैठे में गुनगुनाना चलता है, घर में ही अंताक्षरी खेल रहे होते हैं, ये लाइवलीनेस या चलता था तो ये क्या भाई? सेट पे अक्सर अगर हमें सुर ठीक करवाने होते हैं तो हम शरियार साहब से मदद लेते हैं कि भाई ये जो हम बेसुरा गा रहे हैं ये था क्या सर में? ये जो विसल में गाते हैं ना, वो कमाल है, उसमें इतना सुर होता है, सुरीले हैं, सुरीले। वो तो खैर इनकी एक्टिंग से पता चलता है, इनकी पर्सनालिटी से पता चलता है कि सुरीले हैं। सुर का वैसे बाकी बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल जाता है कि सुर में है ये बंदी, क्यों राफे? बिल्कुल सही है। पर तुम हमेशा लाल पीले नीले चश्मे लगा के क्यों आते हो? तुम भी तो सुर में हो। बात ये होती है कि जब पार्टनर ऐसे हो ना, तो फिर खुद बखुद सुर निकलने लगता है। सुबह सुबह लखनवी लोग नहीं नजर आ रहे पहले आपकी तारीफ। आप इधर से अंदाजा लगाए ना कि हम सीनियर्स जो हैं एक दूसरे को किस कदर तारीफें करते हैं, कितना अप्रिशिएट करते हैं, करना चाहिए। यंगस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी बात है। मैसेज है, मैसेज है। प्लीज आइए, तशरीफ रखिए, पॉजिटिविटी ओवरलोडेड आज हमारे शो पे, मस्ती मजाक, इनका लाइवलीनेस वाला पार्ट जो शायद आपको ड्रामों में इनके कैरेक्टर्स की वजह से देखने को इतना नजर नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।